मेरे को आया। यही आना था थ्रिल फैक्ट्री और हम पहुंच चुके हैं। गाइस थ्रिल फैक्ट्री आने के लिए आप लोगों को जो है ऋषिकेश आना पड़ेगा और ऋषिकेश से आगे शिवपुरी पड़ता है। वहां पे आप चाहे गाड़ी से आ जाओ या फिर आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आके एयरपोर्ट से टैक्सी लेके भी आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो, बाय फ्लाइट देहरादून तक आ सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। वही मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे उतरते ही बारिश भी शुरू हो गई। बढ़िया वाली बारिश आ गई एकदम। भाई यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती अगर आप नॉर्मल डेज में आओ तो। ये तो आज थोड़ा मौसम ऐसा है और जगह जगह लैंडस्लाइड है, वरना ये बहुत बढ़िया। मैं भी आपको अच्छा दिखाऊंगा जरा बारिश रुके। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ चुका हमारा, कॉफ़ी सैंडविच, और भाई लगे हुए अपने लैपटॉप पे काम करने। सुमित्रा दोस्त बैठा हुआ देख तेरे साथ में उधर। और गाइज ये जो थ्रिल फैक्ट्री है ये एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती है, बंजी जंप, जाइंट स्विंग, रिवर्स बंजी जिप लाइनिंग और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो एक भैया भी ऊपर गए हैं बंजी जंपिंग करने। मैं कोशिश करूँगा आपको बंजी जंपिंग दिखाऊँ। बारिश भी थोड़ी सी रुक गई है तो अच्छे से आपको घुमाता हूँ आज थ्रिल फैक्ट्री में। बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट भी है, आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आओ। बहुत सेफ्टी मेजर के साथ यहाँ पे लोग अपना एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और ये आया भाई नीचे, ये आया गाइस। ये रिवर्स बंजी 180 फीट हाइट पे आपको रिवर्स में लेके जाएगी। ये सारी एक्टिविटीज शिवपुरी में ही मतलब बहुत अच्छी होती है। और अब हम जा रहे हैं जाइंट स्विंग इनका देखने। पहले ये होता था, मतलब मैंने जो देखा है अब तक कि लोग जो है मतलब करते थे लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत हुए, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ बनाई है इन्होंने सारी चीज़ें। ये शूटिंग रेंज है इधर। Swing is ready. करते करते भी काफी टूरिस्ट आ ही रखा है। देखना। अभी आप देख रहे हैं कैसे ऊपर से इसे भाई को नीचे फेंकेंगे हमारे। ओ माय गुडनेस, जरूर अगर ऋषिकेश कोई घूमने आया है तो ये जगह मिस नहीं होती। सही, मैं तो बोलता हूँ जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है। सही में यार, मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। खैर अभी मैंने कोई एक्टिविटी तो नहीं करी हाँ। लेकिन भाई देख के बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। गाइस भाई ने हमारे को टिकट दी है ऊपर बंजी जंपिंग की। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन जा रहे हैं भाई, डर के आगे जीत है। ठीक है जी, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इस तरफ लिफ्ट भाई कर दी, इन लोगों ने तैयार कर दिया है, चलते हैं बागे की तरफ, मिलेंगे ऊपर। चलो सर आ जाओ। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा जी, अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन बहुत बढ़िया होगा, फुल कॉन्फिडेंट है। तो भाई इनके यहाँ लिखा है चैलेंज योर फियर, हाँ जी वो हम कर रहे हैं, जरूरी है, बहुत बढ़िया। चलो जी बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट आपको भी। मंजिल पास आ रही है ना, डर लगता जा रहा है मुझे तो। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा बंजी का आज तक का। तो फाइनली जा रहे हैं भाई गाइस।
यस सो फाइनली बाय बाय जा रहे हैं भाई बंजी जंपिंग करने। Look, it's perfect. Good. Good. Left drag आगे करो. Good. Ready. सामने देखो बिल्कुल. Okay, 3, 2, 1. बहुत टफ है, बहुत टफ है, इट्स नॉट इजी टू डू। ये अर्पित मिड्डा जी आज कर ही लिया इन्होंने। हाँ जी कैसा लगा सर, आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस था? सिर्फ फेंका ना उन्होंने, पहले तो मैंने नीचे देखा, हवा निकल गई भाई, उन्होंने सामने देख के ऐसे खड़े हो जो भाई, जब नीचे आया मतलब फ्री फॉल जब हुआ ना भाई, बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास भाई, लेकिन मजा आया भाई। तो अब जा रहे हैं नेक्स्ट एडवेंचर करने, जाइंट स्विंग। बहुत ताकत चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए भाई ये सब करने के लिए। भाई जब बंजी जंपिंग कर ली ना, एंड कर लिया, अब ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है। जा रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों पे। अभी इतना बढ़िया बारिश का मौसम था, अब देख के तो धूप होगी एकदम। भाई जा रहे हैं, देखते जो भी होगा। कैसा लग रहा है? चलो गुड लक, गुड लक। वेरी वेरी गुड, आया कैसा लग रहा है अर्पित? कैसा लग रहा है? नेक्स्ट लेवल भाई, जब ऊपर से छोड़ा ना, मतलब ये था कि ऐसी स्पीड से गए, सही में भाई थ्रिल वाला था पूरा। बंदी के सामने तो कुछ नहीं कर लिया, तभी तो इसका हौसला आया। अब तो मेन एक्टिविटी तो अब है, मत डरा मत डरा मत डरा। नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। चलते हैं अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं भाई। बस अब तो खतरों के खिलाड़ी में ज्यादा ही रह गया मुझे लगता है, ये सारे खतरे ही है भाई। तो गाइस ये इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पूल टेबल्स और अपना भाई डॉग कितने रखे हुए उन्होंने, बाहर भी अंदर भी, अच्छी खासी जगह है, बहुत प्यारी लग रही है, सेटअप भी अच्छा किया हुआ है। और ये इनकी मेन्यू है, यहाँ पे मेन्यू में लगभग सब कुछ ही है ऑलमोस्ट। तो अब आज की लास्ट एक्टिविटी करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है स्कैट डाइविंग। आज की नहीं, यही इससे ऊपर एक्टिविटी कोई नहीं है भाई आज के लिए। ये इंडिया की लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी। चलो चलते हैं जी। लो जी फिर आ गया एक बार यही इसके ऊपर टावर के। कैसा लग रहा है भाई? बस कुछ बच्चों के साथ कैसा लग रहा है? हाँ समझ नहीं आ रहा कैसा लग रहा है भाई। ये इंडिया में एक लौता है, और इस स्कैट डाइविंग सिर्फ जर्मनी में है, इसके अलावा और कहीं यही नहीं। क्यों घबरा 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 तेरा लग रहा है? इसमें कोई सपोर्ट भी नहीं है ना, उसमें चलो रस्ते की सपोर्ट थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फ्री फॉल। इधर ऐसे ही रखना है, हेड को डाउन मत करना, ऐसे ही रख, बस ऐसे रख, जैसे ही ऐसे रिलीज होगा ठीक है, एल्बो को जस्ट क्लोज करना। तो ऑलरेडी भाई वो कुछ रिलैक्स है, रिलैक्स है, रिलैक्स है ब्रो, रिलैक्स है।
पता लगा भाई साहब लाइफ लाइफ टू डेथ डेथ तो ये मिला इसका जंप का सर्टिफिकेट। आपका नाम क्या है मैम? नाम तो बता दो अपना। क्या है? माही। ये माही जी मिलेगी आपको जब अगर आप बंजी जंपिंग करने आओगे थ्रिल फैक्ट्री में। हमेशा जा रहे हैं ये रोप कोर्स वाले सेक्शन पे, यहाँ पे भी 10 तरह की एक्टिविटीज ये लोग बता रहे हैं होती है, और ऊपर जो इंस्ट्रक्टर होगा उससे जाके पूछते हैं बताएगा। नीचे जो एक्टिविटीज है वो लेवल 1 है। अच्छा ओके। टोटल 10 ऑब्स्टिकल है। ठीक है। ऊपर वाला जो है वो लेवल 2 है। ओके। उसमें भी 10 ऑब्स्टिकल है, सारा हर्डल्स तो पड़ जाना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हमारे को आना किधर है? भाई ने बता दिया है यहाँ पे ये लेवल 1 है इनका, ऊपर लेवल 2 है, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ से शुरू होगा और एंड भी यहीं पे होगा। सारा हर्डल्स पार करके हम लोग यहीं पे आके एंड करेंगे। तो भाई ये इनका रोप कोर्स वाला एरिया भी मैंने आप लोगों को अच्छे दिखा दिया। ये हमारे भैया लोग बैठे हैं, चलते हैं अब नीचे। ये इन्होंने यहाँ पे एक क्रिकेट का वो बना रखा है, क्रिकेट ग्राउंड। ये ऑटोमेटिक यहाँ से बॉल्स निकलती है, बॉलिंग मशीन है, ये पिच, और ये अपना यहाँ पे इंडोर मैट लगा के बढ़िया बना रखा है क्रिकेट का सारा सिस्टम। और ये एक इंडोर सेक्शन बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे ये बॉलिंग सेक्शन है, और ये एयर हॉकी, बच्चों के लिए प्ले एरिया, गेम्स, वीडियो गेम्स, सब मतलब अच्छा बना रखा है काफ़ी। अगर छोटे बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे तो उनके लिए भी एक कंप्लीट पैकेज है। काफ़ी एडवेंचरस और अच्छी जगह लगी है, मतलब मैं बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, ये सारे इन्होंने पैकेजेस बना रखे हैं कंप्लीट। बहुत सारी वन पॉइंट है, वन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, आप एक जगह पर ही सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब आपके पास अगर एक दिन का आप अपना अच्छी आउटिंग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा पॉइंट आपको मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा ऋषिकेश के अंदर। तो हर एज ग्रुप का यहाँ पे अलग ही टाइम पास करने का इन लोगों ने बना रखा है। बच्चों के लिए प्ले एरिया है, बड़ों के लिए और अच्छी एक्टिविटीज़ है, और जिसमें ज़्यादा हौसला है उनके लिए तो फिर है बंजी जंपिंग और रिवर्स बंजी जंप ये सब। तो ये भाई हमारे यहाँ के मैनेजर है, अंकुश जैन भाई। भाई हमारे को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर से दिखाएंगे व्यू। तो हम लोग आ चुके हैं अब टॉप पे, जिधर से बंजी जंपिंग होता है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा व्यू सारा आसपास का। तो भाई अगर कोई सोच रहा होगा कि यहाँ आके हम रुकेंगे कहाँ पे, रुकने का कैसे पॉसिबल होगा, तो चारों तरफ ही थ्रिल फैक्ट्री के अच्छे अच्छे कैंप्स बने हुए हैं। कैंप्स भी है, होटल्स भी है, और दूर देखो मतलब पास में ही ये भी होटल है, उधर तपोवन है, आसपास काफ़ी फैसिलिटीज़ है, मार्केट भी है। और ये इनका GoPro वीडियो रूम, जो ये वीडियो शूट्स करते हैं वो यहाँ से कलेक्ट करनी होती है। मैंने अपना मेल एड्रेस दे दिया है और ये लोग मुझे अपना मेल कर देंगे अब। तो हमने यहाँ से वीडियो तो ले ली है अपनी मेल पे, और अंधेरा हो चुका है अब, सब कुछ ओवर हो चुकी है, एक्टिविटी अब कोई नहीं होगी यहाँ पे। बस अपना यहाँ पे डिनर करते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। सुमित भाई ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं अंकुश भाई के साथ। डिनर कर रहे हो? थोड़ा। तो गाइस अंकुश भाई ने हमारे को मस्त डिनर करा दिया है, वैसे डिनर की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं भाई, बहुत जरूरी है। तो ये तो अंकुश भाई है हमारे मैनेजर। अच्छा ये बताओ, अगर कोई हमारे ब्लॉग को देख के हमारे सब्सक्राइबर आते हैं तो उन्हें कोई डिस्काउंट दोगे आप? बिल्कुल भाई, डिस्काउंट दूंगा, स्पेशली मेरे से मिलना। अच्छा डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं, थैंक यू। अंधेरा हो चुका है तो निकलते हैं फिर यहाँ से, और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।